हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। बाकी हमने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, उसका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। एक पत्थर को हमने 60 मीटर की हाइट से गिराया, यानी कि अगर ये हमारे पास ग्राउंड है, ग्राउंड तो यहाँ से 60 मीटर की हाइट पे हमने एक पत्थर को नीचे गिराया, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि हाइट जो है आफ्टर एक्स सेकंड के बाद ये आती है, यानी कि एच हमारे पास हाइट है, एच हमारे पास हाइट है और एक्स हमारे पास टाइम है, सेकंड में, सेकंड है। उन्होंने कहा है कि एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर, यानी कि जिस तरह नीचे गिरता जाएगा ये पत्थर, उसी तरह हमारा जो टाइम है वो बढ़ता जाएगा और हमें हाइट का भी पता चलता रहेगा। ये हाइट और टाइम के दरमियान हमें फंक्शन दिया हुआ है, सही है। तो उन्होंने कहा है कि जब व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टोन, पत्थर की हाइट क्या होगी जब एक्स हमारे पास 1 सेकेंड होगा, पत्थर की हाइट क्या होगी जब एक्स हमारे पास 1.5 सेकंड होगा, पत्थर की हाइट क्या होगी जब एक्स हमारे पास 1.7 सेकंड होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। 60 मीटर की हाइट से हमने एक पत्थर गिराया है और पत्थर जो है वो जैसे जैसे नीचे गिरता जाएगा उसका टाइम बढ़ता जाएगा, यानी कि यहाँ गिरा तो यहाँ 2 सेकंड, 1 सेकंड, 0 सेकंड, इस तरह ना। यहाँ से अगर हमने 0 सेकंड से गिराया तो ये 1 सेकंड होगा, 2 सेकंड, 3 सेकंड, इस तरह। अगर आप पत्थर ऊपर से कोई चीज़ गिराए तो जिस तरह नीचे नीचे चीज़ आती है तो टाइम भी बढ़ ही रहा होता है। तो ये हमारा हाइट और टाइम के दरमियान एक फंक्शन दे दिया गया है और कहा गया है कि अगर हम 1 सेकंड पुट करेंगे तो हाइट बताएं, 1.5 सेकंड होगा टाइम तो हाइट बताएं, 1.7 सेकंड होगा तो हाइट बताएं। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये हमें फंक्शन दिया गया, हमने x इज इक्वल 1 सेकंड में मालूम करना है, तो x की जगह हम 1 पुट कर देंगे, यानी कि रिप्लेसिंग एक्स बाय 1 वी गेट, यहाँ पे x लिखा है यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ पे x है 1 लिख देंगे, तो एच ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हाइट है एट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे हमारी हाइट कितनी होगी, 40 माइनस 10, 1 का स्केयर 1 होता है, तो ये हमारे पास 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30 मीटर आ गई, सही। यानी कि 1 सेकेंड के बाद हमारे पास हाइट जो आएगी, यानी कि जितनी हाइट से पत्थर को फेंका गया बाकी हाइट जो आएगी वो 30 मीटर तक होगी। 60 मीटर में से 30 मीटर का फासला जो है वो पत्थर 1 सेकेंड में कवर कर लेगा, सही है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए का आंसर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि जब वो पत्थर 1.5 सेकंड के बाद उसकी हाइट क्या होगी। अब पत्थर को फेंका है, 1.5 सेकंड गुजर गए हैं, तो उस वक्त उसकी हाइट क्या होगी। तो फिर वही काम करेंगे, रिप्लेसिंग एक्स बाय 1.5 सेकंड। एक्स को हमने 1.5 से रिप्लेस किया तो यहाँ पे एक्स लिखा है 1.5 आ गया, इक्वल टू 40 माइनस 10 और यहाँ 1.5 का स्क्वायर। कैलकुलेटर के बगैर सोल्व करना है, 1.5 का स्क्वायर हमें नहीं पता क्या होता है। इजी ट्रिक है, बताता हूँ। अगर हमने 2.5 का स्क्वायर देखना हो तो ये अशारिया जो है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यहाँ 5 लिखा है, 5 को 5 से ज़रा दें, 5 5 बार 25 यहाँ लिख दिया, 2 के बाद 3 आता है तो 2 ज़रा 3 6, तो ये 6 25 हमारा आंसर आ गया। इसी तरह अगर हम 1.5 का स्क्वायर करें तो ये अशारिया वैसे ही आएगा, इस 5 की जगह 25 आ जाएगा, यानी कि 5 ज़रा 5, तो ये 1 के आगे क्या आता है, 2, तो 2 1 बार 2, तो ये हमारे पास 2.25 आ गया। इसी तरह आप अगर 7.5 का स्क्वायर देखना चाहें, अशारिया का अशारिया वैसे ही, तो ये 5 की जगह 25, यानी कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, और ये 7 के बाद क्या आता है, 8, तो 8 7 बार 56, तो ये हमारे पास आ गया 56.25। तो इस तरह आप स्केयर
फाइंड कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि लास्ट पे हमारे पास डिजिट 5 आता हो। ठीक है, चलिए आइए अब हम इसको देखते हैं। तो ये हमारा 40 का 40 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 5 5 बार 25 अशारिया, वैसे ही 1 2 बार 2, तो ये हमारे पास आ गया 40 माइनस 10। इसका हमने अशारिया खत्म किया तो ये आ गया 225 बटा 100। एक सिफर से कैंसिल, तो 40 माइनस 225 बटा 10। इसके बाद हमने एलसीएम दिया तो ये आया 400 माइनस 225, तो ये आ गया हमारे पास 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, और 4 में 3 में से 2 गया 1, 175 ओवर 10, यानी कि ये आ गया 17.5 मीटर। ठीक है, तो अब हमने h की जगह 1.5 रखा, उसको सॉल्व किया तो हमारे पास हाइट कितनी आई, 1.5 सेकंड पे हमारे पास हाइट आई 17.5 मीटर। ठीक है, 17.5 मीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 को। उसमें भी बिल्कुल इसी तरह करना है, बस यहाँ पे x की जगह 1.7 रिप्लेस कर देना है कि 1.7 सेकंड्स के बाद हमारे पास हाइट कितनी आती है। तो 1.7 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 1.7 का स्क्वायर, 40 माइनस 10, 1.7 को 1.7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 7 बार 49, 9 लगा 4 आंसर, 7 एक बार 7 और 4 11 मल्टीप्लाई बाय 71, तो ये आ गया 981, तो ये आया 1.89। ठीक है, तो ये 40, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो आया 14 माइनस 18.9, तो जब हम 40 में से 18.9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा 11.11 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अब इसका आंसर आया 30 मीटर, इसका आंसर हमारे पास आया था 17.5 मीटर, इसका आंसर आया 11.11 मीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, दोबारा हम लिख लें एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10 एक्स के। व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कि ये हमारे पास ग्राउंड है, ये हमारे पास ग्राउंड है, ये हमारे पास हाइट पे एक स्टोन था, 60 मीटर की हाइट है ये स्टोन। तो उन्होंने कहा कि जब ये स्टोन नीचे गिर जाएगा यानी कि ग्राउंड पे आ जाएगा तो उस वक़्त इसको कितना वक़्त लगेगा। पहले हमें वक़्त दे रहे थे और पूछ रहे थे हाइट कितनी थी, यानी कि ये हमारे पास स्टोन है, यहाँ तक उन्होंने कहा था एक सेकंड लगा है, यानी कि यहाँ तक पहुँचने के लिए एक सेकंड लगा है, तो इसके लिए हाइट कितनी होगी, तो हमने मालूम किया था हाइट 30 होगी, 30 मीटर। अब पूछ रहे हैं, अब हाइट हमें बताई जा रही है कि अगर इसकी हाइट जो है वो यानी कि ग्राउंड तक पहुँच जाए तो सेकंड कितने लगेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें हाइट पता होनी चाहिए। जब एक पत्थर को ग्राउंड पर गिरा दिया जाए, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर गिराया गया, पहले 60 मीटर हाइट थी, जैसे जैसे नीचे आता गया हाइट कम होती गई, यहाँ पे आके हाइट हमारे पास जीरो हो गई, यानी कि एच ऑफ एक्स हमारे पास जीरो हो गया, और ये 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 10 एक्स स्क्वायर यहाँ नेगेटिव है, उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 40 10 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 40, सही। तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 40 ओवर 10, ये एक जीरो से कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया तो आया x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो x हमारे पास सेकंड है तो ये हमारे पास प्लस माइनस 2 बार है। अब कभी आपने देखा है कि टाइम नेगेटिव में आया हो, तो टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, इस वजह से हमारे पास t इज इक्वल टू 2 प्लस 2 सेकंड आया, प्लस 2 सेकंड। अब इस तरह भी देखें कि जब एक सेकंड गुजरा तो इसने 30 मीटर का फासला तय किया, अब हम कह रहे हैं हाइट जीरो हो जाए, यानी कि 60 मीटर का फासला तय किया तो उसको 2 सेकंड लगे। उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई, तो लाइट ऑफ होने की वजह से ज़रा रोशनी का मसला बन गया, तो इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन को हम क्लियर करेंगे। अगर आपको समझ ना आई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम अगर ना समझ आई हुई तो इस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस भी कर लेंगे, अगर समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है,
कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये कि बाकी क्वेश्चंस को भी कवर किया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।